वेलकम बैक। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 2015 चैप्टर नंबर 3 कमिश्नर्स। लेट्स बिगिन। रेफरेंस टू कमिश्नर्स सेक्शन नंबर 24 सबसेक्शन 1। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट एज द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्सन टू पे कंपनसेशन इंक्लूडिंग एनी क्वेश्चन एज टू वेदर अ पर्सन इंजर्ड इज आर is not a worker or as to the amount or a duration of a compensation including any question as to the nature or extent of a disablement the question shall in default of agreement be settled by the commissioner। iska matlab ye hai ki agar koi employer aur worker ke beech mein koi disagreement ho raha hai kisi kahin pe koi point of conflict create ho raha hai और ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कंपनसेशन क्लेमेंट जो है जिसने क्लेम किया है आया वो वर्कर है या नहीं है। अगर वो वर्कर है तो उस सूरत में कितना अमाउंट उसके लिए होना चाहिए और कितनी ड्यूरेशन तक होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें अगर कोई कंफ्यूजन या कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाती हैं तो इस सूरत में जो है कमिश्नर जो है वो उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा और सेटल करेगा इन केस वो एग्रीमेंट बिटवीन द वर्कर एंड एम्प्लॉय बिकम्स डिफॉल्ट और वो नॉन अप्लीकेबल हो जाता है या कहीं कोई पार्टी उससे मुनाफी हो जाती है उनसे इनकारी हो जाती है या डिफॉल्ट कर लेती है तो इन दैट केस जो है वो कमिश्नर विल डिसाइड ऑन दिस। कोर्ट शैल हैव अ ज्यूरिडिक्शन टू सेटल डिसाइड और डील विद एनी क्वेश्चन व्हिच इज बाय और अंडर दिस एक्ट रिक्वायर्ड टू बी सेटल डिसाइडेड और डील्ड विद बाय अ कमिश्नर और टू इन्फोर्स एनी लायबिलिटी इनकर्ड अंडर दिस एक्ट। इसके हवाले से कोई भी है पिटीशन या दरख्वास्त सिविल कोर्ट जो है उसमें जमा नहीं हो सकती और ना ही सिविल कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है। इस एक्ट के तहत जो भी फैसले होंगे जो भी डिसीजन होगा वो कमिश्नर ही करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपनी पिछली वीडियोज़ में कि किस तरीके से हुआ है किस तरीके से होती है उसके लिए 25 सेक्शन ऑफ दिस सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट जो है डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर के लिए। सबसेक्शन 1 गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटी अपॉइंट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ग्रेड 18 फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ लेबर टू बी अ कमिश्नर फॉर वर्कर्स कंपनसेशन फॉर सच लोकल एरिया एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। कमिश्नर जो है फॉर वर्कर्स कंपनसेशन जो है गवर्नमेंट ये मजाज है अथॉराइज है एम्पावर्ड है कि किसी भी ग्रेड 18 के ऑफिसर फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट जो है उसको एज ए कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है टू डील विद द कंपनसेशन इश्यूज। सबसेक्शन 2 वेयर मोर देन वन कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड फॉर एनी लोकल एरिया गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर रेगुलर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस बिटवीन देम। अगर किसी एरिया में फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ कराची कराची ईस्ट कराची वेस्ट एंड कराची वेस्ट एंड इस तरीके से जो है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं बाज़ों का अज्यूमिंग दैट के सपोज कर लें कि कराची वेस्ट में दो कमिश्नर्स अपॉइंट हो गए तो गवर्नमेंट भी थ्रू ऑफिशियल गजेटी एंड थ्रू ऑर्डर डिवाइड कर देगी एरिया ऑफ यू नो फोकस बिटवीन द कमिश्नर के हर कमिश्नर की अपनी ज्यूरिडिक्शन जो है अपनी जो है ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसको हम बीट का नाम भी कहते हैं बीट उसकी असाइंड हो जाएगी कि आप कौन सी बीट पे काम कर सकते हैं। हम टेक्निकल टर्म में उसको बीट कहा जाता है। सबसेक्शन 3 एनी कमिश्नर मे फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी मैटर रेफर टू हिम फॉर डिसीजन अंडर दिस एक्ट चूज वन और मोर पर्सन पजेसिंग स्पेशल नॉलेज ऑफ एनी मैटर रिलेवेंट टू द मैटर अंडर इंक्वायरी टू असिस्ट हिम इन होल्डिंग द इंक्वायरी। अगर कमिश्नर चाहे फॉर द यू नो बेटर डिसीजन टू मेक हिज डिसीजन वाइज अप्लीकेबल एंड इफ कमिश्नर फील्स दैट ही माइट रिक्वायर सम टेक्निकल इंफॉर्मेशन एज वेल तो वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है अपनी असिस्टेंस के लिए। ठीक है अपॉइंट से मुराद ये है कि अपनी असिस्टेंस के लिए वो ले सकता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ताकि उसको फॉर एग्जांपल कोई टेक्निकल टर्म है मेडिकल नॉलेज है और कोई ऐसी जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड इंक्वायरी दरकार है तो इसके लिए किसी से भी असिस्टेंस ले सकता है। असिस्टेंट आई मीन कमिश्नर जो है वहाँ पे लेबर इंस्पेक्टर से ले सकता है फैक्ट्री इंस्पेक्टर से अपनी अपने डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए अपने साउंड डिसीजन क्रिएट करने के लिए जो है किसी की भी वो हेल्प जो है ले सकता है। सबसेक्शन 4 एवरी कमिश्नर शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड 1860
जिस तरह हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के हवाले से कि पब्लिक सर्वेंट की क्या मीनिंग है, तो वही उसी मीनिंग का जो है इतलाक जो है यहाँ पे भी होगा ऑन द कमिश्नर। कमिश्नर विल बी द पब्लिक सर्वेंट अंडर द एक्ट ऑफ सिंध वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट। वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ट्रांसफर 26 सबसेक्शन 1 वेयर एनी मैटर्स अंडर दिस एक्ट टू बी डन बाय आर बिफोर कमिश्नर द सेम शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड टू द एनी रूल्स made here under be done by or before commissioner for the local area in which the accident took place which resulted in the injury। इस एक्ट के हिसाब से कमिश्नर जो है वो विल डिसाइड ऑन दिस। तो मजीद हम आगे बढ़ते हैं करते हुए जो भी मैटर आएंगे उस ज्यूरिडिक्शन के वो वही कमिश्नर जो है उसी एरिया का उसी लोकल बीट का लोकल ज्यूरिडिक्शन का कमिश्नर जो है वो जिम्मेदार होगा कि वो तमाम तर कमिश्नर जो है कंपनसेशन के क्लेम जो है वो एंटरटेन करे और सेटल करे। सबसेक्शन 2 इफ अ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर हिम कैन बी मोर कन्वीनियंटली डील्ड विथ बाय एनी अदर कमिश्नर ही मे सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट ऑर्डर सच मैटर टू बी ट्रांसफर टू सच अदर कमिश्नर ईदर फॉर रिपोर्ट और or for disposal and if he does so shall forthwith transmit to such other commissioner all documents relevant for the decision of a such matter and where the matter is transferred for disposal shall also transmit in the prescribed manner any money remaining in his hand or invested by him for the benefit of any party to the proceedings। Subsection ye bata raha hai ki agar commissioner ye samajhta hai ki jo केस इसके पास रेफर हुआ है फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कंपनसेशन क्लेम इफ ही फील्स के ये जो है उस एरिया से बेहतर उस कमिश्नर से बेहतर किसी और एरिया के कमिश्नर जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकता है तो ये कमिश्नर जो है उस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें दो तरह की नोयत होती है, या तो कमिश्नर वहाँ पे रिपोर्ट करेगा दूसरी लोकल एरिया के कमिश्नर को फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट पर्पजेज एंड नंबर 2 फॉर द डिस्पोजल ऑफ द क्लेम कंपनसेशन क्लेम केस। अगर एक कमिश्नर दूसरी एरिया के कमिश्नर को अगर अपना केस ट्रांसफ़र कर रहा है कंपनसेशन क्लेम का और उसको रिपोर्ट के लिए अगर कह रहा है तो रिपोर्ट के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सिर्फ सबमिट करेगा वो दूसरे कमिश्नर को, अगर उसने डिस्पोजल के लिए बात की तो उससे फिर ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वो ट्रांसफ़र करेगा बल्कि वो अमाउंट जो कंपनसेशन जो एम्प्लॉयर की तरफ से डिपॉजिट हुआ है कमिश्नर को वो भी उनको जमा कराएगा दूसरे कमिश्नर को। अगर उसने पहले वाले कमिश्नर ने अगर वो अमाउंट कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा ताकि जो है उसके ऊपर दूसरे एरिया का जो है कमिश्नर बेहतर तरीके से काम कर सके। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है कि एक कमिश्नर जो है दूसरे एरिया को ट्रांसफ़र करता है, उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। वन तो एक तो अपनी टेक्निकल नॉलेज या सबॉर्डिनेट असिस्टेंस एक वजह हो सकती है कि उनके पास कितना लेबर फोर्स है या कुछ है क्या है वसाइल कितने हैं या उसका इन्फ्लुएंस कितना है या रीच कितनी है या फिर उसकी इंगेजमेंट क्या है, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है बहुत सारे इदारों में फॉर एग्जांपल जो बहुत बड़े इदारे होते हैं अक्सर ट्रांस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एनर्जी सेक्टर को देख लें या ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लें वहाँ पर थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट पाकिस्तान से वर्क फोर्स या लेबर काम कर रही होती है जिनका बैकग्राउंड जिनका डोमिसाइल बहुत सारे दूसरे इलाकों से होता है। तो अगर खुदा ना खासा कोई इस तरह की सूरत हाल होती है अगर एक फैक्ट्री जो है लार्ज स्केल की कंपनी है और उसमें अगर वर्कर जो है वो वहाँ पे अज्यूमिंगली अगर वो कराची में किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है और उसका कोई कंपनसेशन का क्लेम आता है, ठीक है, अब जब वो कंपनसेशन का क्लेम फाइल होगा तो जहाँ का जो ज्यूरिडिक्शन का जो कमीशन होगा नेचुरली उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारी चीज़ें या फिर लोकल इंक्वायरी खुदा ना खासा अगर वो एक्सीडेंट होता है मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका ताल्लुक क्योंकि दूसरे इलाके से दूसरे सूबे से तो नेचुरली बाज़ूकात उसकी जो बेसिक डेटा को वेरीफाई करने के लिए जो है बाज़ूकात वो कमिश्नर दूसरे कमिश्नर लाइक फॉर एग्जांपल आउट ऑफ प्रोविंस भी जाके या आउट ऑफ सिटी जाके भी उनको ट्रांसफ़र कर सकता है फॉर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिटेल्स। जिस तरह मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दो तरह की नोयत होती है या तो रिपोर्ट के लिए या डिस्पोजल के लिए।
रिपोर्ट के लिए होगा तो जो दूसरे एरिया का जो कमिश्नर है वो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करके और अपनी रिपोर्ट जो है पहले वाले कमिश्नर को सबमिट करवाएगा, और पहले वाला जो कमिश्नर है उसी रिपोर्ट को के बिहाफ पे आगे जो है कंपनसेशन क्लेम डिसीजन अनाउंस करेगा या सेटल करेगा। आगे बढ़ते हैं। वेन्यू ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ट्रांसफर प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर शैल नॉट where any party to the proceeding has appeared before him make any order or transfer relating to the distribution among dependents of a lump sum without giving such party an opportunity of being heard. Commissioner कोई भी जो है proceedings अगर जो है start होती है और कोई dependent की तरफ से कोई applicant compensation claim उनके पास आता है और उनको commissioner को ये पता चलता है कि इसके इतने dependent हैं, तो ये लाजिम हो जाता है कमिश्नर को कि वो तमाम तर डिपेंडेंट से रुजू करे या उनको अपनी बात रखने का मौका दे ताकि उनको जो उनके जो लवाहकीन हैं या डिपेंडेंट हैं जो लीगली अपने आप को क्लेम करते हैं डिपेंडेंट हैं दे मस्ट सबमिट देयर वॉइस टू द कमिश्नर सो दैट कमिश्नर एटलीस्ट इट्स जॉब ऑफ कमिश्नर टू असर्टेन दैट देयर वॉइस इज हर्ड एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। Provided further that no matter other than the matter relating to the actual payment to a worker or the distribution among dependents of the lump sum shall be transferred for disposal under this subsection to a commissioner, save with the previous sanction of the government, or to a commissioner in another province, save with the previous sanction of the provincial government of that province, unless all parties to the proceedings agree to transfer. इसकी बुनियादी वजह ये है, ये कमिश्नर जिस तरह मैंने आपको पिछले सेक्शन के हवाले से बताया कि कमिश्नर की अथॉरिटी होती है कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे कमिश्नर को फॉर नेसेसरी रिपोर्ट और डिस्पोजल ऑफ द केस, बट उसकी बुनियादी और फंडामेंटल कंडीशन ये है कि उसके लिए दोनों पार्टी का एग्री होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर एक पार्टी एग्री नहीं हो रही है और कमिश्नर जो है वो ट्रांसफ़र कर दे किसी और कमिश्नर को, क्योंकि इसके अंदर डिस्कम्फर्ट इनकन्वीनियंस एंड बहुत सारे और मामला जो है हो सकते हैं, और उसके अंदर बाजू का ये भी हो जाता है कि लाइक सम मेला फाइन इंटेंशन डेवलप हो जाता है इन द माइंड्स ऑफ आई मीन कभी भी मतलब वर्कर कैन यू नो मेक एलिगेशन ऑन इट टू द यू नो पब्लिक सर्वेंट इन ऑल कि कोई मेला फाइन इंटेंशन है या फिर अनड्यू फेवर दी जा रही है एम्प्लॉयर को या वीसा वर्सा इन ईदर केस। Subsection 3, the commissioner to whom any matter is so transferred shall subject to rules made under this act, inquire therein to, and if the matter was transferred for report, return his report thereon. If the matter was transferred for disposal, continue the proceedings as if they had originally connected before him. ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, अगर कंपनसेशन क्लेम जो है दूसरे कमिश्नर के पास डिस्पोजल के लिए जाता है तो वो अपनी जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स या जो भी है सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स टूवर्ड्स सेटलमेंट ऑफ द केस वो उसी तरीके से सर अंजाम देगा जिस तरह उसके पास ओरिजिनली केस ट्रांसफर हुआ है, मीन्स ही विल बी द कस्टोडियन ऑफ द केस एंड ही विल प्रोसीड एंड डिसाइड द मैटर एज ही थिंक्स फिट। Subsection 4, on receipt of the report from a commissioner to whom any matter has been transferred for report under subsection 2, the commissioner by whom it was transferred shall decide the matter referred in conformity with such report. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, एज अगर कोई दूसरा कमिश्नर पहले वाले कमिश्नर को जो रिपोर्ट देगा तो पहले वाले कमिश्नर को अकॉर्डिंगली एक्शन या जो है नेसेसरी मेजर्स या नेसेसरी जो एक्शन रिकमेंडेड होंगे या नेसेसरी डिसीजन जो रिपोर्ट में मेंशन होगा अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसेक्शन 5, गवर्नमेंट में ट्रांसफर एनी मैटर फ्रॉम एनी कमिश्नर टू एनी अदर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय इट। ये गवर्नमेंट जो है होलसोल अथॉरिटी है कि किसी भी कमिश्नर का जो केस है वो दूसरे कमिश्नर को ट्रांसफर कर सकती है। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन 27, सेक्शन 27 सबसेक्शन 1, no application for the settlement of any matter by a commissioner other than an application by a dependent or a dependents for compensation shall be made unless and until some question has arisen between the parties in connection therewith which they have been unable to settle by the agreement. कोई भी कमिश्नर जो है voluntarily या under the you know self acting action में नहीं जो है कमिश्नर है वो करेगा until and unless कोई भी एग्रीव पार्टी जो है अप्रोच नहीं करती कमिश्नर को फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंपनसेशन एक्ट। इट मे बी द वर्कर साइड, इट मे बी द एम्प्लॉयर साइड,
और जब तक उनके पास कमिश्नर के पास एप्लीकेशन नहीं आती है फ्रॉम द डिपेंडेंस, ठीक है कि उनको कंपनसेशन क्लेम नहीं मिल रहा है, और जब तक वो ऐसे की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है तब तक जो है कमिश्नर इंटरवीन नहीं करेगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। सबसेक्शन टू, एनी एप्लीकेशन टू कमिश्नर मे बी मेड इन सच फॉर्म एंड शेल बी अकम्पनीड बाय सच फी इफ एनी एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड शेल कंटेन इन एडिशन टू एनी पर्टिकुलर्स व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नेमली क्या क्या उस एप्लीकेशन के अंदर चीज़ें हो सकती हैं जो कमिश्नर को जमा हो सकती हैं। अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ अ सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द एप्लीकेशन इज मेड एंड द रिलीफ और ऑर्डर व्हिच द एप्लीकेंट क्लेम्स। जब एप्लीकेशन या वर्कर जो भी एग्री पार्टी है अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा कमिश्नर में, वो सिंपल अपनी डिटेल्स देगा और बताएगा कि वो किस लिए एप्लीकेशन जमा करवाया, उसको किस किस्म का बेनिफिट या रिलीफ चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर, और किस लिए वो अप्रोच कमिश्नर को अप्रोच किया जा रहा है, वो क्लियर टर्म्स में उसको मेंशन करना चाहिए ताकि कमिश्नर जो है उसके ऊपर नेसेसरी और प्रैक्टिकल एक्शन ले सके। सबसेक्शन बी, इन दिस केस इन द केस ऑफ अ क्लेम फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर द डेट ऑफ अ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एक्सीडेंट ऑन एम्प्लॉयर एंड इफ सच नोटिस हैज नॉट बीन सर्व इन अ ड्यू टाइम द रीजन फॉर सच ओमिशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में भी कि जब ये कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जमा होगी तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएगा कमिश्नर के पास, तो उसमें ये डिटेल देगा कि उसने एम्प्लॉयर को कब नोटिस जमा करवाया था और उसकी तमाम तरह डिटेल्स और पर्टिकुलर्स सबमिट करेगा कमिश्नर को। इन केस अगर उसने किसी भी वजह से वो सबमिट नहीं करवा पाया है तो उसके लिए प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कमिश्नर को कि वर्कर ने या उनके डिपेंडेंट ने क्लेम ऑफ कंपनसेशन या नोटिस फॉर द कंपनसेशन क्लेम क्यों नहीं एम्प्लॉयर को सबमिट करवाया। सबसेक्शन सी, द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज उसमें होनी चाहिए एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय द डिपेंडेंट्स फॉर द कंपनसेशन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मैटर्स ऑन व्हिच एग्रीमेंट हैज एंड ऑफ दोज ऑन व्हिच एग्रीमेंट हैज नॉट बीन कम टू। अब ऑफकोर्स ये एक बड़ा कॉमन सी बात है कि जब एक एग्री पार्टी मे बी वर्कर्स जब अप्रोच करता है कमिश्नर को, नेचुरली उसने थोड़ी बहुत एफर्ट की होती है, एम्प्लॉयर को परसू किया हुआ होता है फॉर द क्लेम ऑफ द कंपनसेशन। इट्स अ वेरी कॉमन रिएक्शन व्हेन एनी पर्सन हु इज विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट एंड ऑल, तो उनके डिपेंडेंस ऑफकोर्स एज एन अ फर्स्ट एक्शन दे ऑलवेज अप्रोच टू द एम्प्लॉयर, राइट। अब naturally if the employer is responsible they will engage with the dependent and all that and will try to come up with an agreement ke ye sari details unke dependents ke sath share karte hain aur unse application mangwa ke process karte hain aur unko batate hain ki inka kya amount jo hai compensation ka set hua hai jo unko in case of death or in case of total disablement ki surat mein worker ke dependents ko milega ya worker ko milega in case of total disablement whatever the case may be, राइट। अगर उसमें कोई किन चीज़ों पे एग्रीमेंट हो जाता है और किन चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर, तो वो डिटेल्स भी कमिश्नर को जमा करवाना वर्कर के लिए लाजिम है ताकि पता चल जाए, क्लियर पिक्चर होनी चाहिए वो कमिश्नर को कि कौन सी ऐसी बातें जिन पे डिसएग्रीमेंट हुआ है। सबसेक्शन थ्री, इफ द एप्लीकेंट इज इलिटरेट और फॉर एनी अदर रीजन इज अनेबल टू फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग द एप्लीकेशन शैल इफ द एप्लीकेंट सो डिजायर बी प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर एज एन अ पब्लिक सर्वेंट एज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द एग्री पार्टी आर द वर्कर इफ ही इज अनेबल टू सबमिट इज एप्लीकेशन थ्रू इज ओन हैंड राइटिंग आर वाट एवर द केस मे बी एंड बिकॉज वेदर ही इज इलिटरेट आर सम सॉर्ट ऑफ अ डिसेबल आर सम आई मीन लीगली डिसेबल, सो इन दैट केस कमिश्नर हैज एन अथॉरिटी टू असिस्ट आर सपोर्ट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट फॉर नेसेसरी फाइलिंग ऑफ द कंपनसेशन क्लेम सो फॉर। Power of commissioner to require further deposit in case of a fatal accident. Section 28, subsection 1, where any sum has been deposited by an employer as compensation payable in respect of a worker whose injury has resulted in death, and in the opinion of the commissioner such sum is insufficient, the commissioner may by notice in writing stating his reasons call upon the employer to show cause why he should not make a further deposit within such time as may be stated in the notice. जिस तरह इस रूल के अंदर बताया गया है क्लियरली शेड्यूल 4 के अंदर के कंपनसेशन के क्या एग्जाम होंगी,
जिस तरह इन केस ऑफ डेथ तो 500,000 एंड इन केस ऑफ टोटल डिसेबलमेंट तो 500,000, इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट देन हाफ मंथली पेमेंट ऑफ वेजेस विल बी डिसबर्स टू द वर्कर व्हाट एवर द केसेस। अगर कमिश्नर को ये पता चलता है व्हेन ही रियलाइजेस के वो जो कंपनसेशन जो जमा करवाई गई है इन केस ऑफ डेथ स्पेशली वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो अंडरस्टेटेड है या कुछ उसके ऊपर तहफ़ुज़ात हैं कमिश्नर के, तो कमिश्नर हैज़ एन अथॉरिटी टू राइट नोटिस एंड शो कॉज नोटिस टू द एम्प्लॉयर एंड रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द डिटेल्स एंड रीजंस दैट व्हाई शुड ही नॉट पे एडिशनल अमाउंट व्हिच इज़ शॉर्ट फ्रॉम द अमाउंट व्हिच इज़ स्टेटेड इन द शेड्यूल 4 ऑफ दिस एक्ट। तो ये इसकी अथॉरिटी है कमिश्नर की कि अगर इस तरह चाहे तो वो एम्प्लॉयर से फर्दर जो है एडिशन जो भी जो शॉर्टफॉल है पेमेंट का कंपनसेशन का वो जमा करवाने के लिए कह सकता है। सबसेक्शन 2 इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू शो कॉज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमिश्नर मे मेक एन अवार्ड डिटरमाइनिंग द टोटल अमाउंट पेएबल एंड रिक्वायरिंग द एम्प्लॉयर टू डिपॉजिट द डेफिशिएंसी। अगर एम्प्लॉयर उसके शोकास कमिश्नर के शोकास का जवाब नहीं दे पाता है तो फिर जो है अपना कमिश्नर उनका डिसीजन अनाउंस करता है, डिसीजन अवार्ड करता है और एम्प्लॉयर को पाबंद कर देता है कि भाई आपको फला दिनों में और इस दिन तक जो है आपको शॉर्टफॉल या जो रिमेनिंग अमाउंट है कंपनसेशन का या डिफिशिएंट अमाउंट है कंपनसेशन का वो आपको जमा करवाना है कमिश्नर के पास। Powers and procedures of the commissioners. 29 deals with the powers and procedures of the commissioners. The commissioner shall have all the powers of civil court under the Code of Civil Procedures 19(8) for the purpose of taking evidence on oath, which such commissioner is hereby empowered to impose, and of enforcing the attendance of witnesses and compelling the production of documents and material objects. And the commissioner shall be deemed to be a civil court for all the purposes of Section 195. एंड ऑफ चैप्टर ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। कमिश्नर जो है उनको मुख्तलिफ पावर्स दिए गए जिसमें सिविल कोर्ट के जो है पावर दिए गए हैं और वो किसी भी आदमी से वो अंडर ओथ स्टेटमेंट कर सकता है, विटनेसेस ले सकता है और मटेरियल डॉक्यूमेंट इंक्वायर कर सकता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर और द वर्कर वॉट एवर द केस में भी। तो कमिश्नर इज होल सोल इज फंक्शन एज एन सिविल कोर्ट एट द मोमेंट अंडर द आर्टिकल अंडर द power conferred on the commissioner under section 195 of the code of criminal procedure 1898 and under the code of civil procedure 1908 section 30 any appearance application or act required to be made or done by any person before or to a commissioner other than an appearance of a party which is required for the purpose of his examination as a witness may be made or done on behalf of such person by a legal practitioner or by any official of an insurance company or registered trade union authorized and writing by such person or with the permission of the commissioner by any other person so authorized। अगर dependent चाहे तो वो किसी को भी authorize कर सकता है कि commissioner के पास जो है वो उनके behalf पे represent कर सकता है अपने case को other than the particular person who is physically जिनको examination के लिए या witness के लिए बुलवाया जाएगा तो naturally they will have to appear before the commissioner for the proceedings and the settlement of the case but other than those they can you know represent their representative if they are authorized by the applicant as well। Method of recording evidence section 31 the commissioner shall make a brief memorandum of the substance of the evidence of every witness as the examination of witness proceeds and such memorandum shall be written and signed by the commissioner with his own hand and shall form part of the record। सिंपली जब वो प्रोसीडिंग इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स होगी या जब केस की प्रोसीडिंग्स होंगी तमाम तरह जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाएंगी वो कमिश्नर की जिम्मेदारी है उसको रिकॉर्ड करे, उसका मेमोरेंडम बनाए और उसको हैंड साइन करे। ही शुड साइन एंड सबमिट एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग सच मेमोरेंडम ही शैल रिकॉर्ड द रीजन ऑफ हिज इनएबिलिटी टू डू सो एंड शैल कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग फ्रॉम हिज डिक्टेशंस एंड शैल साइन द सेम एंड सच मेमोरेंडम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। अगर कमिश्नर को रोका जाता है किसी भी वजह से फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी के आप मेमोरेंडम नहीं बना सकते हैं खुद, और इस सूरत में जो है कमिश्नर चाहे तो किसी की हेल्प ले सकता है और मेमोरेंडम बनवा सकता है थ्रू डिक्टेशन एंड बट इट शुड बी साइंड बाय द कमिश्नर बाय हिज ओन हैंड्स। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एविडेंस ऑफ एनी मेडिकल विटनेस शैल बी टेकन डाउन एज नियरली एज मे बी वर्ड फॉर वर्ड।
अगर कोई मेडिकल विटनेस है विद रेस्पेक्ट टू द डॉक्टर एंड ऑल, अगर ही वांट्स टू बी अ विटनेस इन द केस ऑफ द वर्कर और वॉट एवर द केस मे बी, ही देयर स्टेटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड एज वर्ब बाय वर्ब, जो उन्होंने हर्फ हर्फिया उन्होंने जो वहाँ पे हर्फ बाय हर्फ स्टेटमेंट की रिकॉर्ड करना बहुत लाजिम है, ताकि कोई डेविएशन इन द स्टेटमेंट लेटर स्टेजेस पे ना हो सके. कॉस्ट 32, ऑल कॉस्ट इंसिडेंटल टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कमिश्नर. अगर कोई प्रोसीडिंग्स के अंदर कोई भी कॉस्ट होती है तो उसकी अथॉरिटी सोल अथॉरिटी कमिश्नर के पास है, वो चाहे तो वो असाइन कर सकता है और चाहे तो वो बियर कर सकता है. पावर टू सबमिट केसेस 33, अ कमिश्नर मे इफ ही थिंक्स फिट सबमिट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड इफ ही डज सो शैल डिसाइड द क्वेश्चन इन कन्फॉर्मिटी विद सच डिसीजन. कमिश्नर अगर बेहतर समझता है कि अब जो है केस शुड बी रेफर टू द ट्रिब्यूनल फॉर द फाइनल जजमेंट और व्हाट, अगर कोई ऐसी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आते हैं जहाँ पे कमिश्नर की अथॉरिटी लिमिट होती है या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट डिसीजन की ज़रूरत है, तो कमिश्नर मे रेफर द केस टू द ट्रिब्यूनल फॉर नेसेसरी सेटलमेंट ऑफ द कम्पनसेशन क्लेम. रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट सेक्शन 34 सबसेक्शन 1, where the amount of any lump sum payable as a compensation has been settled by the agreement, whether by way of redemption of a half monthly payment or otherwise, where any compensation has been so settled as being payable to a woman or a person under a legal disability, a memorandum thereof shall be sent by the employer to the commissioner, who shall, on being satisfied as to its genuineness, record the memorandum and register in the prescribed manner. अगर खुदा न खास इन केस ऑफ डिसीज ऑफ इन द केस ऑफ डेथ ऑफ वर्कर एंड देयर डिपेंडेंस स्पेशली व्हेन इट इज़ अ वुमन और अ पर्सन हु इज़ लीगली डिसेबल, फाइल अ कंपनसेशन और कम अप विद एन एग्रीमेंट विद एन एम्प्लॉयर ऑन द कंपनसेशन अमाउंट, देन इट शुड बी यू नो इन फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट एंड और वो एग्रीमेंट जो है वो फिर मेमोरेंडम बनाया जाएगा, मेमोरेंडम रिकॉर्ड होगा और वो मेमोरेंडम जमा होगा कमिश्नर के पास और कमिश्नर विल वेरीफाई द कॉन्टेंट्स एंड द एग्रीमेंट क्लॉजेस. अगर वो बेहतर समझता है, वो समझता है कि ये एग्रीमेंट जेन्युइन है विदाउट एनी फोर्स कोर्सिव फोर्स, ये विलिंगली और अपनी दोनों पार्टीज ने अपनी जो है होशो हवास से ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो लिहाजा उसके बाद जब ये मुतमईन हो जाता है तो ये कमिश्नर जो है फिर उस मेमोरेंडम को रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है अपने बताए हुए तरीके के थ्रू. प्रोवाइडेड दैट नो सच मेमोरेंडम शैल बी रिकॉर्डेड बिफोर 7 days आफ्टर कम्युनिकेशन बाय द कमिश्नर ऑफ नोटिस फॉर द टू द पार्टीज कंसर्न्ड. जब ये इस तरह का एग्रीमेंट जब आएगा तब तक मेमोरेंडम जब एक एम्प्लॉयर या वर्कर की तरफ से जमा किया जाएगा जो एग्रीमेंट की कॉपी है, तो तब तक जो है कमिश्नर वो एग्रीमेंट नहीं रिकॉर्ड करेगा जब तक उसको 7 दिन नहीं हो जाते. 7 दिन इसलिए दिए जाते हैं ताकि अगर कोई कोई कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई डिसएग्रीमेंट है बिटवीन कोई कोई सम कोई चीज़ें वहाँ में क्लियर नहीं है जिसमें वर्कर अभी भी जो है उसके ऊपर रुजू करना चाह रहा है, तो उसी 7 दिन के अंदर उसके पास ये मार्जिन है कि वो दोबारा अप्रोच कर सकता है. और फिर जब ये तय हो जाता है, कमिश्नर मुतमईन हो जाते हैं, 7 दिन गुजर जाते हैं, फिर कमिश्नर जो है उस एग्रीमेंट को मेमोरेंडम की शक्ल में ए प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. Subsection C, where it appears to the commissioner that an agreement as to the payment of lump sum, whether by way of redemption of half monthly payment or otherwise, or in agreement as to the amount of compensation payable to woman or a person under a legal disability, or not to be registered by reason of inadequacy of the sum or amount, or by reason of agreement having been obtained by fraud and influence or other improper means, he may refuse to record the memorandum of the agreement and may make such order, including an order as to any sum already paid under this agreement, as he thinks just in the circumstances. Simple is this. This agreement determines कि अगर कमिश्नर को कहीं पे भी इस तरह की फीलिंग आ रही है, ऑब्जर्वेशन है अकॉर्डिंग टू द इंक्वायरी एंड ही सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर इज ओके, देन ही कैन एक्चुअली रिकॉर्ड द मेमोरेंडम. अदरवाइज व्हेन ही फील्स देयर इज समथिंग फिशी एंड जो एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर और वर्कर जो है वो थ्रू फ्रॉड मिसपर्सोनेशन और किसी जालसाजी के तहत किया गया है और वर्कर के हक को
जो है जब्त करने की कोशिश की जा रही है या उसके हक तलफी की जा रही है उस एग्रीमेंट के थ्रू, और किसी डिसेप्शन का ये डिसेप्शन के थ्रू ये एग्रीमेंट बनाया गया है, तो उस सिलसिले में जो है उस वो मेमोरेंडम कमिश्नर रिकॉर्ड नहीं करेंगे और एम्प्लॉयर को ऑर्डर देंगे कि आपकी ये डेफिशिएंसी है इस एग्रीमेंट के अंदर, इधर आप उसको इम्प्रूव करें और ये तमाम तर जो एलिजिबल या इंटाइटल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू द डिपेंडेंस ऑफ द डिसीज वर्कर जो है वो आप जमा करवाएं विद द कमिश्नर ऑफिस। Subsection 2, an agreement for the payment of a compensation which has been registered under subsection 1 shall be enforceable under this act, notwithstanding anything contained in the Contract Act 1872 or any other law for the time being enforced. Once memorandum record ho jata hai, to uski jo legality hai, legal binding, dono parties ke upar, like employer aur worker ke upar, aayad ho jati hai, ke employer apni wo agreed amount compensate karega aur worker jo hai, usi agreement एग्रीड अमाउंट को विलिंगली एक्सेप्ट करेगा और फर्दर कोई क्लेम जो है अगेंस्ट एम्प्लॉयर नहीं करेगा। इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू रजिस्टर एग्रीमेंट, अगर क्या होगा कि अगर वो एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, 35 वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एनी एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 34 इज नॉट सेंट टू द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन व्हिच ही इज लायबल टू पे अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड नॉट विदस्टैंडिंग anything contained in the purview of subsection 1 of a section 4 shall not, unless the commissioner otherwise directs, be entitled to deduct more than half of the amount paid to the worker by way of compensation, whether under agreement or otherwise. इस सेक्शन का मकसद ये कि कोई भी एग्रीमेंट जो रजिस्टर अगर नहीं हो पा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम अगर जमा हुआ कमिश्नर के पास और कमिश्नर ने मेमोरेंडम जो है रजिस्टर नहीं किया, मेमोरेंडम अगर वो कमिश्नर के पास नहीं भेजा जा रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, और कोई कंपनसेशन का अमाउंट जो है लाइक फॉर एग्जांपल अगर 500,000 है, तो अगर वो कंपनसेशन का अमाउंट एम्प्लॉयर देना भी चाहे वर्कर को, तो वो 50% मीन्स 2.5 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकता है, क्योंकि वो उसको करने से पहले मेमोरेंडम का रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर इन केस अगर कोई ऐसा अमाउंट एम्प्लॉयर ने दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे अगर किसी को कंपनसेशन का अमाउंट देना देना चाह रहा है, तो वो 50% से ज़्यादा दे नहीं सकता, और अगर उसने 50% से ज़्यादा दे भी दिया, तो उस चीज़ की जो है एक्सेप्टेबिलिटी विद द कमिश्नर नहीं होगी, एंड कमिश्नर में डायरेक्ट एम्प्लॉयर टू पे द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द 50% वाट एवर द केस टू द डिपेंडेंट एज वेल। तो एम्प्लॉयर के लिए कॉशन है, इसको ज़रा फोकस करना है। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे यू हैव टू फॉलो द बुक्स, यू हैव टू फॉलो द रूल्स, अगर आप कोई चीज़ वॉलंटियरली करना चाह रहे हैं, तो यू शुड बी बियर इन द माइंड कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि अगर आप उसको ओवर एंड अबव करेंगे, तो इट विल बी एडिशनल बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर साइड, कि उनको दूसरी पेमेंट जो रिमेनिंग अमाउंट की पेमेंट है वो भी कमिश्नर को देनी पड़ेगी, बिकॉज कमिश्नर विल नॉट एक्सेप्ट इफ एन एम्प्लॉयर हैज़ पेड 70% ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट डायरेक्टली, तो उसके अंदर बहुत जो है लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं फॉर द एम्प्लॉयर। अपील्स, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1, इन अपील शैल लाय टू द ट्रिब्यूनल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द कमिश्नर, नेमली इन ऑर्डर अवॉर्डिंग एज कंपनसेशन टू लमसम वेदर बाय वे ऑफ रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट और अदरवाइज, और डिसअलोइंग क्लेम इन फुल और इन पार्ट फॉर लमसम। अपील का मतलब ये है कि जब कमिश्नर जो भी डिसीजन देगा विद रिस्पेक्ट टू द कंपनसेशन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के हवाले से, या जिसको लमसम कहते हैं, या फिर हाफ मंथली के हवाले से, जो भी एग्रीव पार्टी होगी, इट कैन अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल फॉर नेसेसरी रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस। सबसेक्शन 2, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू अलाउ रिडेम्पशन ऑफ हाफ मंथली पेमेंट, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है, तो उसमें भी ट्रिब्यूनल के पास अप्रोच किया जाता है। एन ऑर्डर प्रोवाइडिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन among the dependents of a deceased worker, or disallowing any claims of a person alleging himself to be such dependent. अब इसके अंदर workers के अंदर कोई dependent है, उनके अंदर कोई confusion हो जाती है, और कोई भी commissioner जो है award करता है, जैसे हमने already discuss किया है कि ये सवाबी दे commissioner feels कि वो तमाम तर dependents के अंदर जो compensation amount है वो equally distribute करे, या अगर वो बेहतर समझता है कि ये worker के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा, तो वो एक किसी भी एक शख्स को भी दे सकता है। तो लिहाजा अगर इससे कोई दूसरी पार्टी एग्रीड हो रही है, तो दे कैन आल्सो अप्रोच टू द ट्रिब्यूनल एज वेल।
Subsection 2, in order allowing or disallowing any claim for the amount of an indemnity under the provision of subsection 2 of section 16, agar koi indemnity ka masla aa raha hai, like we had discussed between the employer and the worker, employer and the contractor, yeah, employer and the contractor and the worker, means if there is any issue of indemnity, if a worker, if a contractor does not actually indemnify the principal, or a worker does not indemnify the contractor for the compensation of the amount, or uske andar jo agreed party, may the contractor, may be the employer or anybody else, can actually approach to the tribunal for the necessary redressal of the complaint. Subsection E, in order for refusing to register, a memorandum of agreement or registering the same or providing for registration of the same, subject to the conditions. Conditions ko hum dekh lete hain kya hai. Provided that no appeal shall lie against any order unless a substantial question of law is involved in the appeal, and in the case of an order other than an order such as is referred to in clause B, unless the amount is in dispute is an appeal is not less than 50,000 rupees. अब मसला ये है कि अक्सर कंपनसेशन इसके लिए थोड़ी सी लिमिट असाइन की गई है. अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ कंपनसेशन है और वो अमाउंट जो है 50,000 से ज़्यादा है, तो उसी चीज़ को जो है अपील फाइल की जाती है इन केस ऑफ अगर वो ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो. ठीक है, अगर 50,000 से अमाउंट कम है तो वो फिर कमिश्नर के एंड पे ही चीज़ें सेटल होना मकसूद होती हैं, और एम्प्लॉयर और वर्कर्स की बाज़ूकात मीटिंग भी हो जाती है, सेटलमेंट मीटिंग जिसको कहते हैं. Provided further that no appeal shall be in any case in which the parties have agreed to abide by the decision of the commissioner, or in which the order of the commissioner gives effect to an agreement come to by the parties. Agar commissioner ke decision pe dono parties agree ho jati hain, to is surat mein bhi jo hai commissioner aur employer jo hai wo approach nahi kar sakta hai tribunal ko for the redressal of the complaint, because it's a very natural, if they have already accepted, they must, you know, abide the commitment. Provided also that no appeal by an employer under class A shall lie unless a memorandum of appeal is accompanied by a certificate by the commissioner to the effect that the appellant has deposited with him the amount payable under the order appealed against. Agar commissioner ka koi employer ke khilaf agar koi order aata hai, aur usme agar koi compensation amount declare hota hai ya additional koi penalty hoti hai, jis tarah maine bataya defy like 100,000 ka fine bhi hai, aur wo tab tak uski jo प्ली है या अपील है वो ट्रिब्यूनल में नहीं इंटरटेन हो सकती जब तक वो जो डिसीजन कमिश्नर का है ऑफ द कंपनी डिपॉजिट ऑफ द कंपनसेशन क्लेम, तो वो जब तक अमाउंट जो है फुल टर्म्स में कमिश्नर को नहीं जमा होगा, तब तक ट्रिब्यूनल में ये एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं हो सकती. सबसेक्शन 2, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील अंडर दिस सेक्शन शल बी 60 डेज. विद इन 2 मंथ्स जो है आपको अपील करनी है ट्रिब्यूनल में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कमिश्नर डिसीजन, वेदर एम्प्लॉयर और द वर्कर, हूएवर द केस में भी. सबसेक्शन 3, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908 शल बी अप्लीकेबल टू अपील्स अंडर दिस सेक्शन. अब अपील की और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसको हम आप फर्दर जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 में रेफर कर सकते हैं. इन केस ऑफ इन कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चंस यू मे अप्रोच टू मी. विदहोल्डिंग ऑफ सर्टेन पेमेंट्स, विदहोल्डिंग ऑफ सर्टेन पेमेंट्स पेंडिंग डिसीजन ऑफ अपील्स. सेक्शन 37, when an employer makes an appeal under the clause A of subsection 1 section 36, the commissioner may, and if so directed by the tribunal, shall pending the decision of the appeal withhold payment of any sum in deposit with him. theek hai, aur agar koi employer agar appeal kar raha hai, usne zahir appeal jama karwayi, usse ke pehle jo hai compensation ka amount deposit karwa diya, ab agar appeal koi tribunal tak pahunchta hai employer, aur jo bataya hai section A section subsection 1 of section 36, commissioner may एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय द ट्रिब्यूनल शेल पेंडिंग, और अगर ट्रिब्यूनल कमिश्नर को डायरेक्शन दे देता है कि आप जो है कंपनसेशन का जो डिपॉजिटेड अमाउंट है एम्प्लॉयर की तरफ से फर्दर डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, यू शुड हैव टू कीप इट विद योर सेल्फ, ताकि उसके ऊपर नेसेसरी प्रोसीडिंग्स या कोई भी अपील का जब तक डिसीशन नहीं आ जाता है, या डिसीशन के सूरत में कोई जजमेंट नहीं आ जाती. रिकवरी, सेक्शन 38 सबसेक्शन 1, द कमिश्नर में रिकवर any amount payable by any person under this act as an arrear of land revenue, whether under the agreement or a payment of compensation or otherwise, and the commissioner shall be deemed to be public servant or public officer within the meaning of section 5 of the revenue recovery act. agar ye sab ho sakta hai, commissioner chahe to kisi party se amount recover kar sakti hai, aur acha kyun kar sakti hai, uske liye kuch grounds hain, usko hum dekh lete hain aage.
without prejudice to the provision of the section 1, the commissioner may recover in the prescribed manner any amount referred to therein by distress and sale of movable property belonging to the person by whom the amount is payable or by attachment and sale of the movable property belonging to such person. अब इस सेक्शन के हिसाब से अगर कमिश्नर चाहे तो जिससे अमाउंट रिकवर करना है तो उसकी तमाम प्रॉपर्टी को भी जो है वो सेल करके अपना जो है अमाउंट जो रिसीवेबल अमाउंट या रिकवरी अमाउंट जो है वो ले सकता है. एवरी कमिश्नर शैल हैव द पावर्स ऑफ कलेक्टर ग्रेड वन एंड मे एक्सरसाइज सच पावर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जीक्यूशन द डिप्टी कमिश्नर शैल फैसिलिटेट द कमिश्नर इफ सो रिक्वेस्टेड. ठीक है जी. और वो कलेक्टर के भी पावर्स रखता है कमिश्नर और वो तमाम तरह अपने पावर्स को इस बरुए कार लाते हुए जो है और जो है तमाम तरह डिसीजन ले सकता है जो अभी हमने डिस्कस किया. सो दैट वाज अ चैप्टर यू नो दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर सिंध चैप्टर 3 सिंध वर्कर्स कंपनसेशन ए 2015 चैप्टर 3 डील्स विद द कमिश्नर. सो थैंक यू वेरी मच. आई होप यू एंजॉयड द lecture. If you have any query or question, you may please approach to me or write down in the comment box. Thank you very much. See you in the next video.